हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी बिजनेस स्टडी क्लास प्लस टू वॉल्यूम वन का सेमेस्टर फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के स्तर एवं कार्य। तीन इनके तीन लेवल्स होते हैं, टॉप, मिड एंड बॉटम लेवल। कोटेशन क्या है जी, यहाँ पर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ डिग्री। प्रबंध के सभी कार्य सभी प्रबंधकीय स्तरों पर किए जाते हैं, पर केवल मात्रा का अंतर है। लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे जी इसके, ठीक है जी, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, तीन स्तर होते हैं प्रबंध के। और प्रबंध के कार्य प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, ठीक है जी। अब इसकी मीनिंग, लेवल्स का मीनिंग क्या है, ठीक है जी। इसका प्रबंध के जो लेवल्स बताए गए मैनेजमेंट के, उसका मीनिंग क्या है, मैनेजेरियल मेंबर्स, नॉन मैनेजेरियल मेंबर, मतलब प्रबंध से रिलेटेड मेंबर्स और प्रबंध से ना रिलेटेड मेंबर, नॉन मतलब, ठीक है जी। ये डायग्राम देख लिया, हायरार्किकल दिया हुआ है इसका, मैनेजेरियल मेंबर्स जो हमारे प्रबंध से रिलेटेड, जैसे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है जी। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी इसके डिटेल्ड डिस्कशन ये रही, टॉप, मिडल एंड लो लेवल। इसको ऑपरेशनल भी बोलते हैं, ये सुपरवाइजरी ऑपरेशनल, ये बहुत बहुत बढ़िया डीपली थॉरली डायग्राम गिवन है यहाँ पर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल का। या तो आप बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इसको, ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या रहेगा, चीफ, CEO, चेयरमैन, मैन, MD, GM, उस वेव से देखना या तो सारे का सारा, ठीक है, डिफरेंट एंगल से देखना। जैसे CEO कहाँ होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में होते हैं, और चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह के भी चेयरमैन होते हैं। MD, GM ये कहाँ होते हैं, बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, जिसको टॉप टू बॉटम भी देखना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी देखना। और ये बिगेस्ट ब्रॉड एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेबर, काफ़ी लेबर रखी होती है हमने काम करवाने के लिए, ठीक है। टॉप लेवल में हमारे जो हमारे पास जो, इसका मतलब कि ट्राइंगल शेप क्यों दी गई है, जो लेवल्स हैं, ठीक है जी, जो लेवल्स हैं ट्राइंगल शेप क्यों दी गई है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में मेरे पास कम मेंबर्स होते हैं, पर धीरे धीरे जो मिड है और लो लेवल है इसमें ब्रॉडनेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मिडल लेवल में कुछ वर्किंग पर्सन ज़्यादा हमारे पास, मोर देन टॉप लेवल, ठीक है। टॉप में तो कुछ मेन, जो मेन हमारे मैनेजमेंट की अथेंटिकेटेड या अथॉरिटी पर्सन होते हैं, पर्सनैलिटीज वो होते हैं, यहाँ पर हमने प्रोडक्शन ये रहते हैं, लेबर से काम करवाना होता है, वाइट कॉलर, ब्लैक कॉलर ये कह लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी। टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, ठीक है, वही की ट्राइंगल में जो दिया हुआ है, प्रबंध के स्तरों का आकार पिरामिड जैसा होता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे की ओर चलते हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लेबर क्लास होती है ना, हमने उनसे काफ़ी अच्छी, अगर जितनी ज़्यादा हमने प्रोडक्शन करवानी है या फिर डिमांड को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई करनी है हमने मार्केट में, फिर हमें लेबर भी उतनी ही अच्छी ज़्यादा रखनी पड़ती है, सो दैट कि हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है जी। ये इसके प्रबंधकीय मध्य स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य कार्य हैं, ठीक है। बस आपने हेडिंग रट लेने, अच्छे से थोड़ा सा उनका कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेनी है। क्रिएटिंग कॉरपोरेशन, लो लेवल ऑफ और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसको लो लेवल, ऑपरेशनल, ब्लैक कॉलर, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है, काफ़ी नेमों से इसको पुकारा जाता है, जो बॉटम लेवल होता है। अब इसके कार्य प्रणाली लिखी गया, देखो बहुत अच्छे से सब कुछ इलाबोरेट किया गया यहाँ पर, ठीक है जी। लास्ट लेवल था बस, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पर, वो लेवल से तीन, बेसिकली दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ये लगा लीजिए लॉन्ग, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन फिर से आ गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। ये पूरी जितनी बुक के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है ना, बाकी जितने, ये लगा लीजिए, सारे चैप्टर्स यहाँ से ही निकल के आए हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। प्लानिंग सेपरेटली आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, POSDC, ठीक है, डायरेक्टिंग अलग से यूनिट है, डायरेक्टिंग के अंडर ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजरी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशनल पावर, ये सब कुछ, ठीक है। कंट्रोलिंग अपने आप में एक खूबसूरत और
टूल टाइप, टेक्निकल टाइप, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंट्रोलिंग डिफरेंस। इसकी हायरार्की ऐसे याद करनी है, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अगर आपने ये पूरा डायग्राम रट लेते हैं ना बेटे, बाकी पूरे चैप्टर जाए, क्योंकि जो बुक होती है ना उसका इंडेक्स देखना, रटना, गो थ्रू करना वेरी वेरी कंपल्सरी। उससे हमें पूरे बुक में होने वाला क्या है क्या सब नॉलेज हो जाती है उससे। देखो इस चैप्टर को बहुत लेंथी ना करके, बट यहाँ पर पॉइंट्स बहुत अच्छे से देर किया कि पूरी बुक की नॉलेज हो जाए। वैसे उसको फिर नेक्स्ट चैप्टर में उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कशन करते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग आ गया, ठीक है जी, स्टाफिंग आ गया। ये इन आप यहाँ पर इनको अच्छे से रीड कर लोगे, ठीक है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देखो डायरेक्टिंग के अंडर क्या क्या रहा है, ध्यान से देखो, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होती है, अपॉइंटमेंट करना, लेबर रखना, वर्कर्स अपॉइंट करना। खुद उस फीलिंग लेके देखो बेटा, मैन पावर, ठीक है, किससे रिलेटेड हो गया सारा, यानी कि स्टाफ रखने से रिलेटेड सब कुछ हो गया। रिक्रूटिंग करनी किसकी करते हैं, इंप्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, रिसर्च एरिया वगैरह में ना सारा कुछ वो देखे। ऑर्गेनाइजेशन, मेरे डिपार्टमेंट्स बनाना, फाइनेंस का, HRM, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। ऐसे सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बनाकर फिर अलग अलग पर्सन्स को ड्यूटीज़ असाइन करना। वेरी वेरी राजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी वेरी, पूरा गो थ्रू अच्छे से करना, बाकी चैप्टर्स फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी रीड करने में, ठीक है जी। सुपरवाइजरी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, अब इनको डिटेल्ड में डिस्कस किया गया। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो अभी तक पूरी बुक हमने रीड की है, हमारा कुछ टारगेट है, कुछ ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, पर हमने कुछ स्टार्टिंग में, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की, कुछ टारगेट थे कि इन टारगेट्स को, इस प्लान को विद इन 10 ईयर्स हम अटेन कर लेंगे। तो इन बिटवीन हम थोड़ा थोड़ी टाइम बाद, जैसे मान लीजिए 2 ईयर्स बाद, चेक करते रहते हैं क्या हम 10 साल बाद अपने वो टारगेट को अचीव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, क्या मेरी प्रोडक्शन डिज़ायर्ड प्रोडक्शन है या थोड़ा सा फ़र्क है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, क्यों है, क्या कारण है। फिर वो करेक्टिव मैयरनेस, डेविएशंस को देख कर ना कि एक्चुअल और दोनों में क्यों फ़र्क आ रहा है, इट मीन्स तो मैं टारगेट पूरा ही नहीं कर सकूँगा। ये कंट्रोलिंग का चैप्टर उससे रिलेटेड है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए थी आज के टाइम तक, आज के पॉइंट ऑफ टाइम तक, इतनी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो फिर कुछ ना कुछ मैं करेक्टिव मैयर्स उठाऊंगा। लेबर को डेली कहूंगा कि 2 घंटे ज़्यादा काम करके जाए ना, प्रोडक्शन का टारगेट मेरा अचीव नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैयर्समेंट हम टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, देखो एनालिसिस करेंगे क्या, ये सारे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कंट्रोलिंग। चलिए बस जी बेटा, अब आ गया जी की कंसेप्ट, ठीक है। कभी ना कभी बेटा इसको लेटेस्ट बुक से भी मैं पूरा पढ़ाऊंगी, बस ये मेरे पास कुछ समय के लिए था कि चलो इसको अपलोड कर दें, इंटरेस्टिंग सी लग रही थी काफ़ी। देखिए पूरे के पूरे देखो, फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, कितना अच्छा सा ये समराइज करके सब कुछ गिवन है। नॉन मैनेजेरियल लेवल्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वही आएगा प्लानिंग, सारे के सारे ना, पाँच के पाँच, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, POSDC, इसको कोडिंग वैसे ऐसे लर्न कर लेना। चलिए अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपको बताया था कि एक पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, टॉपिक वाइज करा करो हमेशा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरे का पूरा अपना लर्न करो, याद करो, पॉइंट्स रटो इसके बैठ कर, ठीक है। फंक्शंस फिर आ गया। नेक्स्ट है जी मिसलेनियस, जो छोटे छोटे जिसके ऊपर हमने वेरी शॉर्ट मिक्सअप पूरे का कंप्लीट जो हम डिस्कशन करते हैं हमेशा ही। नेम द 2 कैटेगरीज इन विच ऑल द इम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड, उन 2 श्रेणियों के नेम बताओ जिनमें एक संगठन के कर्मचारियों को विभक्त किया जा सकता है, प्रबंधकीय सदस्य, अप्रबंधकीय सदस्य। सेकेंड, संगठन स्तरों की 2 मुख्य श्रेणियाँ कौन सी हैं, विच आर द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधकीय स्तर क्योंकि वो सदस्य थे, ठीक है, सदस्य थे, इम्प्लॉयज़ की बात ही ना सदस्य, या लेवल्स की बात है प्रबंधकीय स्तर, अप्रबंधकीय स्तर। थर्ड देखिए जी, श्रमिक प्रबंधकीय किस स्तर में सम्मिलित किए जाते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वर्कर्स आर इंक्लूडेड एट विच लेवल ऑफ, क्योंकि वे अप्रबंधकीय सदस्य होते हैं इसलिए वे किसी भी प्रबंधकीय स्तर में
ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होते ना, इसलिए वो किसी भी लेवल में इंक्लूड नहीं किए जाते। श्रमिक संगठन के किस स्तर में सम्मिलित किए जाते हैं? वर्कर्स आर इंक्लूडेड एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अप्रबंध के स्तर। दोनों को रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ देखिए जी, प्रबंध के स्तरों का क्या अभिप्राय है? वट इज मेंट बाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? इनका अभिप्राय एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य विभाजन रेखा से है। जैसे टॉप मैनेजमेंट मेरी सारी BOD मैनेजर वगैरह, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव, वो टॉप में चले जाएंगे। सेंटर में कौन आ जाते हैं? जैसे क्लैरिकल स्टाफ वगैरह, वो आ जाता है ऑलमोस्ट सारा, सबॉर्डिनेट स्टाफ, क्लैरिकल स्टाफ वो, ठीक है जी। और टॉप में हमारी लेबर क्लास टाइप। सिक्स, वट इज मेंट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट? उच्च स्तरीय प्रबंध से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय प्रबंध के उस स्तर से जिस पर उद्देश्य व्यय नीतियों का निर्धारण, क्योंकि कौन करेगा? प्लानिंग्स, पॉलिसीज, सारा कुछ टॉप लेवल करेगी। क्यों करती है? कंप्लीट सभी का टोटल टोटेलिटी टारगेट होता है सभी का ही, कि भाई उन उद्देश्यों को, नीतियों को, पॉलिसीज को गेन करना ही है हमने, ठीक है। वट इज मेंट बाय लो लेवल मैनेजमेंट? निम्न स्तरीय प्रबंधक से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय प्रबंध के उस स्तर से है जिसके द्वारा श्रमिकों के प्रयत्नों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही ये टारगेट अचीव किए जाते हैं, ठीक है, लो लेवल के कारण ही। जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी पॉलिसीज, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं, उन्हीं को ही गेन किया जाता है बॉटम लेवल के थ्रू। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज मेंट बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मध्य स्तरीय प्रबंध से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय प्रबंध के उस स्तर से जो उच्च प्रबंध द्वारा विकसित योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी करके हटे हैं। नाइन्थ, नीतियाँ निर्धारित करना प्रबंध के किस स्तर का कार्य है? टू डिटरमाइन द पॉलिसीज इज द फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? उच्च स्तरीय प्रबंध का। टेंथ देखिए, विभागीय प्रबंधकों को किस प्रबंध के स्तर में सम्मिलित किया जाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मध्य स्तरीय प्रबंध, क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है जी, SCM, जो ये तीन चार न्यू मैं बता रही हूँ बेटा, ये न्यू लेटेस्ट एड ऑन हुए हैं ERP वगैरह में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कारण ना इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डिवेल्प कर दिए गए बेसिकली, ठीक है। SCM बहुत डिमांड में, SCM, HRM और था जी एक CRM, ठीक है, ये तीन चार न्यू लेटेस्ट एड ऑन किया। वट इज मेंट बाय प्लानिंग? नियोजन का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से। ट्वेल्थ, वट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? संगठन का प्रबंध के एक कार्य के रूप में क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। 13th देखिए, वट इज मेंट बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग से क्या अभिप्राय है, मतलब नियुक्तिकरण से? नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। 14th देखिए, वट इज मेंट बाय डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देना कि कोई सही कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। सारे को इसको अपने मन में फीलिंग लेके देखो, सारे एक जैसे से हो गए, किस लिए करते हैं? कंट्रोल करने के लिए उनके, कोई कोई भाई गलत वे में ना चल रहा हो, फ्री ना बैठा हो, कि उनको समझाएं कि ठीक है तुम्हें सैलरी तभी मिल पाएगी अगर तुम प्रॉपरली काम करोगे। डायरेक्शंस करना, सुपरविजन करना, दोनों को देख के अगर दिक्कत आती है फिर हम कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, बताओ भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं रह सकते तो प्लीज़ जॉब छोड़कर चले जाइए ना, वो सब कुछ इस टाइप का ही है। वट इज मेंट बाय डायरेक्टिंग? निर्देशन का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को डायरेक्शन देना। जैसे बच्चों को डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है बेटा, जो एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक के, ठीक है, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं, बस यही उनका करियर का टाइम होता है पूरा फुल टाइम के लिए, बस वो उन्हीं के बच्चों के हाथ में होता है। तो ये वाले सब चीज़ उसी से रिलेटेड है बेटा, ये सारे डायरेक्टिंग, सुपरवाइजरी, कम्युनिकेशन करना, तभी वो लीडर बन पाएंगे ना हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के। मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना, वह उसे अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। वट इज मेंट बाय सुपरविजन? पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय अपने सबॉर्डिनेट के काम की प्रगति की देखभाल करने और उन्हें मार्गदर्शन करने से है, अधीनस्थों, सबॉर्डिनेट। संदेश वाहन का क्या अर्थ है? वट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन? इसका अभिप्राय सूचनों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने वाली प्रक्रिया से है। 17th, वट इज मेंट बाय लीडरशिप? इसका अभिप्राय उस योग्यता से है जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करती है।
18th देखिए जी, व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है बेटे, हायरार्किकल करना ऐसे ही स्टार्टिंग से एंड तक, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कभी ना कोशिश करना करने की, ऐसे सेटिंग बहुत अच्छी बनती रहती है कि देखो स्टाफिंग पहले रख लिया स्टाफ, फिर उनका ध्यान रखना काम कर रहा है नहीं कर रहा, उनकी सुपरविजरी करना, अगर दिक्कत है उनके साथ बातचीत करना, और बातचीत के भी देर आर सो मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन है ना, रिटन में, ओरल में, या फिर ईमेल वगैरह जो अपने ये ई रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ बातचीत ईमेल के थ्रू, वो सारा कुछ, फिर लीडर तैयार करना पूरे ग्रुप का, गैंग का एक लीडर, ठीक है, जो इनिशिएटिव ले या सबके सबके लिए जैसे मॉनिटर होता है क्लास का उस टाइप में, ठीक है, सबको मोटिवेट करते रहना राजे, मोटिवेशनल पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन, ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है फिर कंट्रोल करना पड़ता है हमें सब कुछ, जैसे क्लास पे लगा लीजिए वैसा सा सब कुछ है। अभी व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य, वांछित उद्देश्य सबके सांझे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य प्राप्ति होती है, लोगों में उत्तेजना पैदा करता है, ईगरली कि हाँ भी करने ही करने, टारगेट पूरा करना ही करना। व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोलिंग, नियंत्रण का क्या अर्थ है, इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के समीप लाने से है, यानी कि डेविएशन, डेविएट होना, क्यों फ़र्क आ रहा है प्रोडक्शन का, जितना सोचा था आज के दिन में हो जानी चाहिए थी नहीं हुई, क्या रीज़न है, वो फॉल्ट फाइंड आउट करना, फिर उनके लिए कंट्रोलिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट करना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखिए, अब इसके प्रबंध के स्तर के संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य विभाजन रेखा के रूप में होता है। सेकंड, उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक एक सोपान श्रृंखला का निर्माण होता है। थर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर का कार्य करते हैं, उच्च स्तर का। फोर्थ, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं, निम्न स्तर, ठीक है, नीचे से स्टार्ट कहलाते हैं उसको प्रथम पंक्ति बोलते हैं। फिफ्थ, जहां अप्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म क्षेत्र, ठीक है जी, अप्रबंधकीय प्लेटफॉर्म। कुछ करने से पहले मनन प्रबंधकीय किस कार्य में दिया किया जाता है, नियोजन प्लानिंग में। सेवेंथ, कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, संगठन। एट्थ, पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, नियुक्तिकरण, रिक्रूटमेंट। नाइन्थ, सुधारात्मक करेक्टिव एक्शंस कार्यवाही प्रबंध के किस कार्य का अंग है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग का। टेंथ, निम्न में से क्या निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता, नियोजन। 11th, प्रबंध के स्तरों की संख्या होती है 3। 12th, सामान्यतः प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है, सामान्यतः प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है, तो आपने देख लिया प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिक्रूटिंग सब कुछ है, मार्केटिंग, विपणन होता है, मार्केटिंग नहीं है, ये नो पूछा ना, नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा ये आंसर भी गिवन थे, एक शायद से अभी इसका एक केस स्टडी का क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, केस स्टडी से काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है बेसिकली टॉपिक। चलो जी, यहाँ क्वेश्चनिंग हो रही है फिर आंसरिंग मिल रही है उसको। मिस्टर लर्नर, सर संगठन को आप प्रबंध का दूसरा कार्य भी कह रहे हैं और एक जगह आपने कंपनी संगठन का प्रयोग भी किया है, सर इसका अर्थ हुआ कि संगठन प्रबंध का कार्य भी है और कंपनी को भी संगठन कहा जा सकता है, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, ठीक समय पर संदेह दूर हो जाएगा, ठीक है, इंट्रैक्शन से, ठीक है, इंट्रैक्शन से मतलब कि आप क्वेश्चनिंग करें जो भी डाउट्स होंगे साथ ही साथ खत्म हो जाएंगे। चलिए सुनिए, संगठन शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्होंने दो क्वेश्चनों को डाउटफुल बना दिया ना, यहाँ पर प्रबंध के कार्य के रूप में, कंपनी संस्था उपक्रम के रूप में, पहला प्रबंध के कार्य के रूप में। संगठन शब्द का अर्थ कार्य भूमिकाओं के ढांचे, स्ट्रक्चर्स ऑफ रोल्स के निर्धारण से है, अर्थात यह निर्धारित करना कि विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी, प्रत्येक पद के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे आदि आदि। सेकंड, कंपनी संस्था उपक्रम के रूप में, संगठन शब्द का अर्थ लोगों के समूह से है, ग्रुप ऑफ पीपल से है, इस संदर्भ में एक कंपनी, एक स्कूल, एक क्लब आदि सभी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संगठन प्रबंध का एक कार्य भी है और कंपनी अथवा लोगों के समूह को भी संगठन कहा जा सकता है। थैंक यू, इसी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से उसका धन्यवाद किया कि अब मेरे को जो मेरा डाउट था वो क्लैरिफाई हो गया, ठीक है जी। और इसी के साथ ही बेटा हमारा भी थर्ड चैप्टर की डिस्कशन थी, बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 हिंदी मीडियम, इसी के साथ ही ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।